यहाँ एक क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, डेंसिटी डी ऑफ टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है ना। NaOH क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो है एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बनाया, इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CC, ठीक है ना। तो डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की डेंसिटी। द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पर मोलिलिटी यानी स्मॉल m, ये जो है फाइंड आउट करना है, ऑफ द सॉल्यूशन इज, और गिवन क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है NaOH का कितना, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 1.67 मोलिलिटी होगी इसकी सॉल्यूशन की। और ये किस तरह होगी, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछा जा रहा है उसका फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या पूछी जा रही है, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछी जा रही है, उसका फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड और मास यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इस फार्मूले में रखने के लिए जो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी हमें क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमारे यहाँ फार्मूले लिख लीजिए नंबर एक पर, नंबर दो पर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है फाइंड आउट करना है। तो नंबर दो पर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर दो पर क्या कीजिए आप, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को निकालने का फार्मूला, जो कि क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारी मोलरिटी कितनी गिवन है अपने क्वेश्चन में, कितनी मोलरिटी गिवन है, 2 मोल मोलरिटी है, ठीक है ना, 2 मोलर है हमारे क्वेश्चन में। कितना मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर है, यानी मोलरिटी कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमें निकालना है, यानी एन निकालना है, फाइंड आउट करना है वो, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो हमारी डेफिनेशन से क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स कितने में, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो यहाँ पर हमारा 1 लीटर आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये एक चीज़ हमें मिल गई। तो वहाँ पर हम फार्मूले में पीछे जाकर रख देते हैं, मेन फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोलिलिटी निकालना है, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल गए कितने, 2। अब अपान हमें क्या चाहिए, मास यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मास यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम्स में जो है हमें चाहिएगा। तो सॉल्वेंट तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का हमारे पास हमको वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें से सॉल्यूट का वेट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वेट निकाल लेंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट स्टेप जो है हम यही करते हैं, यानी हमें नंबर तीन पर जो है मास यानी वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना होगा। तो नंबर तीन पर हम क्या, मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी मास यानी वेट निकालेंगे। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी हमें दे रखी है, 1.28 ग्राम पर CC इंटू वॉल्यूम कितना हमारा, क्योंकि सब यहाँ ग्राम में दे रखा हमारा, तो हम वॉल्यूम भी जो है लीटर में लेकर यहाँ पर 1000 ml में लेंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी की जगह हमने सॉल्यूशन की डेंसिटी रख दी है, और वॉल्यूम हमारा जो है ml में 1000 हो गया। तो क्या निकल आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 1200
80 ठीक है ग्राम, ये हमारा सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब हम सॉल्यूट का वेट निकाल लेंगे, है ना, चौथे नंबर पर। तो हमारे फोर्थ पोजीशन पर क्या निकालेंगे हम, मास यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए हमारे NaOH के लिए। तो N हम ऑलरेडी निकाल चुके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने आए थे हमारे, 2 N2, ठीक है ना। हमारा फार्मूला क्या होता है जो है सॉल्यूट के मास को निकालने का, क्या होता है फार्मूला हम जानते हैं, N = W/m, ठीक है ना। तो W = क्या हो जाता है, N * m, मोलिकुलर मास, ठीक है ना, या मोलर मास, ये जो है हम फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने नंबर ऑफ मोल्स रख दिए हैं, ठीक है, सॉल्यूट के। अब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मोलर मास NaOH, हमारा सॉल्यूट क्या है NaOH, उसके लिए हम मोलर मास निकाल लेंगे। क्या होता है NaOH का, NaOH, ठीक है ना। सोडियम क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा 40 ग्राम, ठीक है ना, मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम यहाँ पर 40 ग्राम रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा 40 ग्राम ये हमने मोलिकुलर मास सॉल्यूट का रख दिया या मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि फॉर्मूले हमें क्या रखना है, वेट ऑफ द सॉल्यूट रखना है इन ग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था कि सबसे पहले सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे और फिर सॉल्यूट का निकालेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉल्वेंट का मास यानी वेट हमारे पास बच जाएगा। तो कितना आया था हमारे पास, तो हम जो है फिफ्थ पोजीशन पर क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो पांचवें नंबर पर हम क्या करेंगे, मास यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो हमें फार्मूले में रखने के लिए निकालना है। तो क्या था हमारा मास वेट ऑफ द सॉल्यूशन, कितना था 1280 1280 माइनस मास यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट, अभी कितना निकाला हमने 80, यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट हमें कितना मिल जाएगा 1200, ठीक है ना, 1200 ग्राम। अब हमें सब चीज़ मिल चुकी है, ठीक है, हम इसे फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हमारा वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आया 1200, ठीक है। और चूंकि हमें इसमें इसे किसमें ग्राम में लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी मोलेलिटी आ जाएगी पर ग्राम, ठीक है, तो इसको हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करने पर कैंसिल करने पर मोलेलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 1.67 मोलिलिटी मोलल सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, यह हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।